कितना तन्हा सा लग रहा हूं मैं, जाने कब से सुलग रहा हूं। कितना सर आपकी नजर करना चाहता हूँ निशांत भाई, बहुत अच्छा काम किया आज आपने, दिल जीत लिया वाकई में। मतलब ऐसी पॉजिटिव एंकरिंग होनी चाहिए, मतलब आप ऐसे तरकश मारो कि साइड से छुके निकल जाए, घायल होने वाला घायल हो जाए, अपना काम बनता। तो कितना तन्हा सा लग रहा हूँ मैं, हर कलाकार के लिए यहाँ पे उपस्थित, कि कितना तन्हा सा लग रहा हूँ मैं, जाने कब से सुलग रहा हूँ मैं, अपने सपनों को रूप देने में, अपने सपनों को रूप देने में खुद ही खुद से अलग रहा हूं। आप लोगों के दिल की बात हो, शुक्रिया, बहुत अच्छी बात, शुक्रिया, दया नसीब आपने। तालियां थोड़ा कम समय के लिए बजाइए, मेरे को 5 मिनट में बहुत कुछ निपटाना है आपके ऊपर। देखिए ये बड़ी नाइंसाफी होगी कि कुछ लोगों को बयां करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए और कुछ लोगों को ना मिले, मुझे ऐसा लगता है। अगर यहाँ पे बीप होना चाहिए या तो 5 मिनट में आप निपटा दो तो निपटा दो, है ना, और नहीं तो फिर हम भी शुरू हो जाएंगे तो तालियां बजाते रहो, अपन शुरू रहेंगे, है। तो आप लोग बता दीजिएगा साहब जहाँ ख़त्म करना हो मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा काम कहाँ पे ख़त्म करना है, बट आप लोगों से आदेश मिलता रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप बता दीजिए ख़त्म करूँ या आगे करूँ, एक बार इजाजत दे दीजिए। हाँ, ये स्माइली सामने सही रखा हुआ है, टेडी बियर, इससे समझ में आना चाहिए। बहुत सही निशान भाई, धन्यवाद, आपने मुझे सही सिग्नल पकड़ा दिया। आगे लिखा है साहब, माँ के ऊपर भी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। मैं बिल्कुल समय क्रम है, मैं मौसी की पे थोड़ा और जाना चाह रहा था, बट अभी ध्यान देना पड़ेगा कि माँ के ऊपर मैंने भी एक बार लिखा था साहब कि मेरे पास एक जीता जागता सितारा है, मेरे पास भी एक जीता जागता सितारा है, ये जो मेरी माँ है, ये जो मेरी माँ है, दुआओं का पिटारा है, ये जो मेरी माँ है ये दुआओं का पिटारा है, और इसी की आंखों से देखी है ये दुनिया, इसी की आंखों से देखी है ये दुनिया, जो भी देखा है सब इसी का नजारा है, जो भी देखा है सब इसी का नजारा है। अगर फोटो खींच रहे वैसा मुझे पता नहीं चल पा रहा क्या करने का है, फिर भी मैं अभी कंटिन्यू रखता हूँ, मुझे लगता है अभी स्माइली चल रही है। तो एक देश के मौजूदा हालात और पत्रकारों को लेकर मेरे को थोड़ी सी मतलब कुंठा सी है मन में, कभी कह नहीं पाता हूँ कि जो पत्रकार वर्ग दो बायस्ड, जो उनके थॉट हैं और जो घटनाएं होती हैं मुझे कहीं अंदर से चुभती हैं, उस पर थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है। बात अगर पहुंच जाए तो ताली से स्वागत कीजिएगा कि हमने उन लोगों को अपने सर पर बिठा रखा है, हमने उन लोगों को अपने सर पर बिठा रखा है जिन्होंने इस देश की जड़ों में मठा रखा है, जिन्होंने इस देश की जड़ों में मठा रखा है। और हाल मत पूछिए मेरे मुल्क का साहब, दुश्मन ने अपना घर मेरे घर से सटा रखा है, दुश्मन ने अपना घर मेरे घर से सटा रखा है। अच्छा साहब एक और बात याद आ रही है, चूंकि अभी मेरे को सिग्नल बड़े कंफ्यूजिंग मिल रहे हैं, एक बार ताली बजा दीजिए, कंटिन्यू करूं या ना करूं, ठीक है साहब। प्यार मोहब्बत पे मैं भी थोड़ा बहुत, हालांकि मेरे को फिजिकली उतना लोग मतलब होता नहीं है, बट ठीक है, अब दिल तो बच्चा है जी, कोई क्या करेगा, मतलब वो हम तो आप उस दौर में है कि हम कहते हैं कि भाई उम्र इज अ नंबर, हम ऐसे कहना पड़ता है अभी। आप लोग तो बोल सकते हो निशान साहब, आपको नहीं है, मतलब हमको बोलना पड़ता है कि उम्र इज अ नंबर, बट स्ट्रक्चरल नहीं होता है, फिर भी बातें तो मन की बातें हैं। मुझे लगता है जवानी में हर लड़की खूबसूरत होती है, चाहे वो कैसी भी हो, जो भी हो, एक जवानी का एक अपना अलग बात होती है। तो मैंने लिखा था, जवानी भर के आई है घटा सी बन के छाई, जवानी भर के आई है घटा सी बन के छाई है, सुहानी शाम आंखों में नए सपने सजाई है। और एक विरोधाभासी लिखा था कि सनम के पास है इतने
कि उनको छू नहीं सकते। विरोधाभास लिखा था कि सनम के, धन्यवाद, कि सनम के पास है इतने कि उनको छू नहीं सकते, वो हरदम साथ रहते हैं, कहूं कैसे जुदाई है।